नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर कई नेता अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट खुद करते हैं और कई बार नेता पीछे भी हट जाते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी को आगे किए जाने के बाद चर्चा शुरू है कि सम्राट बिहार के अगले सम्राट होंगे, लेकिन उनकी पार्टी में ही इसको लेकर मतभेद है। दरअसल भाजपा के अंदर ही मतभेद है, भाजपा के अंदर ही कई गुट बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कई बार चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अब विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है, दरअसल उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा होने में सक्षम है। यानी जाति बिहार में मायने नहीं रखती है, बड़ा चेहरा मायने नहीं रखता है, वोट बैंक मायने नहीं रखता है, भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी मायने रखते हैं और नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यह विजय सिन्हा का कहना है, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा? दरअसल सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया तो चर्चा उठी कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम फेस भाजपा की तरफ से हो सकते हैं। कालांतर में प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, उसके बाद राजीव प्रताप रूडी, उसके बाद नित्यानंद राय जैसे कई नेता हुए जिनको लेकर चर्चा उठी कि बिहार के अगले सीएम फेस भाजपा के हो सकते हैं। लेकिन भाजपा ने समय के बदलाव के साथ सुशील मोदी को लंबे समय तक खींचा और उसके बाद तारकिशोर प्रसाद रेणी देवी को खींचा, लेकिन अब सम्राट चौधरी को बिहार के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से हटाकर अब अध्यक्ष बनाया गया है तो चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि ये मामला भाजपा के संगठन का है, लेकिन विजय सिन्हा जो दावेदारी ठोक रहे हैं ये परंपरागत दावेदारी है। दरअसल बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता जो भी होता है, भाजपा उसे सीएम फेस मानकर आगे चलती है और वो नेता कालांतर में काम भी वैसे करते रहे हैं। तो विजय सिन्हा को अगर ऐसा लगता है कि वो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता है तो वो सीएम फेस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस भ्रम को कई बार तोड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे किया, सम्राट चौधरी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, सदन के उच्च सदन के सदस्य हैं और सम्राट चौधरी का जनाधार बिहार में, उस समाज का जनाधार बिहार में अधिक है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उनकी तरफ देख सकती है। ये चर्चा शुरू हुई ही थी कि भाजपा के नेताओं ने ही रोक लगाना शुरू कर दिया है। विजय सिन्हा ने सबसे पहले रोक लगाई, उसके बाद कई नेता हुए, कई नेताओं का बयान सामने आया जिनका स्पष्ट मंतव्य था कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति पर काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा चुनाव के वक्त सीएम फेस तय करती है, अध्यक्ष बना देना सीएम फेस नहीं है। संजय जायसवाल भी अध्यक्ष थे तो संजय जायसवाल सीएम फेस नहीं थे, ये सवाल लगातार उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके से सदन का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और बिहार में उस समाज के व्यक्ति को सीएम बनाने को लेकर जो चर्चा छिड़ी है उसमें वो सटीक बैठते हैं और लगातार एक धरा इस खबरों पर ज्यादा फोकस कर रहा है कि सम्राट बिहार के अगले सम्राट होंगे, वही दूसरी तरफ विजय सिन्हा के बयानों ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा के अंदरखाने में नेताओं के बीच मतभेद लंबे समय से रहे हैं। नंदकिशोर यादव या अन्य नेता की बात कर ले, जब सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम थे, इस दरमियान भी जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ सरकार में आई 17 के बाद, उस दरमियान भी कई गुट थे। एक हिंदुवादी गुट जो हिंदुत्व के बल पर बिहार में भाजपा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, वही दूसरी तरफ एक नीतीश कुमार का हिमायती, और कहीं ना कहीं नीतीश हिमायती वाला गुट अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने उसे किनारे पर बिठा रखा है और हिंदुवादी गुट लगातार एग्रेसिवली काम कर रहा है। चाहे बात कर ली जाए सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, दोनों जो नेता हैं दो सदन के सदस्य हैं, लेकिन दोनों का एक ही एजेंडा है और दोनों जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं उसमें विजय सिन्हा को लगता है कि वो सीएम फेस हो सकते हैं और सम्राट चौधरी को लगता है कि वो सीएम फेस हो सकते हैं। हालांकि दोनों ने दबी जुबान से इस बात का जिक्र किया है, कभी खुलकर कहा नहीं कि वो बिहार के अगले सीएम होंगे या सीएम का चेहरा हो सकते हैं। नित्यानंद राय ने इसका जिक्र किया और जैसे ही उन्होंने जिक्र किया भाजपा ने उन्हें साइड कर सम्राट चौधरी को आगे कर दिया है। अब ऐसे में विजय सिन्हा के बयान के बाद ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब तक ये तय ना कर दे कि कौन सीएम फेस होगा, तब तक इसके अंदर जो है उस कुर्सी की मारामारी और उस कुर्सी पर बैठने को लेकर जो चर्चा है वो तेज रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटा रहेगा
और देखना होगा कि अमित शाह जो रैली करने आ रहे हैं उस रैली में किस नेता का प्रभाव ज़्यादा होता है, कौन से वो नेता होते हैं जो अमित शाह के मंच पर अमित शाह के बगल वाली कुर्सी पाते हैं। उसके साथ ही ये तय हो जाएगा कि बिहार में भाजपा किस रणनीति पर काम करना चाहती है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।